तो इस वीडियो में आपको PUBG मोबाइल गेम के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको लेकर एक न्यूज वायरल हो रहा है, चाहे वो फेसबुक पे हो जाए, चाहे वो ट्विटर पे हो जाए, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो जाए, हर जगह एक न्यूज वायरल हो रहा है जिसपे दिया हुआ है कि PUBG जो है वो बैन होने वाला है, इंडिया में बैन हो चुका है। और इस न्यूज पे बहुत को बिलीव भी कर रहे हैं, बहुत किसी को सच लगने लगा है ये न्यूज की सच में PUBG जो है वो इंडिया में बैन होने वाला है। और बहुत को इस न्यूज को इसलिए सच मान रहे हैं क्योंकि यार आए दिन बहुत सारे चीजें जो है वो इंडिया में बैन हो रही है, क्योंकि यार पहले जो यूथ हुआ करता था, अभी हमारे जो भी यूथ है इंडिया में उनका सबसे फेवरेट गेम जो है वो है PUBG, और अगर यही इस टाइम बैन हो जाए तो आखिरकार हमारी यूथ का क्या होगा, क्योंकि बहुत को इस पे अपना रोजगार करके, मतलब कि अपना टाइम पास करके बिना चिकन डिनर ले रहे हैं, तो बहुत किसी को इसको लेकर टेंशन है, क्योंकि यार ये एक तरह से हर किसी का फेवरेट गेम बन चुका है और हर कोई इस गेम का जो है वो एडिक्ट हो चुका है। और बहुत कोई इसको लेकर, इस न्यूज़ को लेकर, फेक न्यूज़ को लेकर कि इंडिया में बैन होने वाला है PUBG, इसको लेकर ब्लेम इसलिए कर बैठे हैं क्योंकि यार आए दिन इंडिया में बहुत सारी चीज़ें बैन हो रही है। अभी आपको पता होगा हाल ही फिलहाल कुछ दिनों पहले जहाँ पे हमारी जो भी इंडिया की यूथ थी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम पास करती थी, यानी कि मैं किस सारे एंटरटेनमेंट साइट के बारे में बात कर रहा हूँ, आपको पता होगा कि वो सारी साइट भी इंडिया में बैन हो चुकी है और अब वो सारी साइट खुलती नहीं, यानी कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। अगर आपको उन सारी साइट पर विजिट करनी है तो आपको दिखेगा एरर, वो सारे पेज जो है वो बैन कर दिया गया हर एक ऑपरेटर के द्वारा और वो सारी चीजें खुलती नहीं है। वो जो आंखों से एक पल ना ओझल हुए, क्या से क्या हो गए देखते देखते। उन सारी चीजों पर जो है इंडिया के सबसे ज्यादा यूजर जो है वो टाइम पास किया करते थे, यानी हमारे यूथ जो है टाइम पास किया करते थे, और अब वो सारे यूथ जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं PUBG पे, यानी कि वो सारी चीजें बैन होने के बाद PUBG जो है सारे यूथ के लिए एक मसीहा बन के आया। जय PUBG! जय PUBG! जय PUBG! जय PUBG! विनर विनर! चिकन डिनर! चिकन डिनर! और अगर अब PUBG भी गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया जाता है तो हमारे यूथ का क्या होगा, आप भी सोच के देखो। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या सच में PUBG इंडिया में बैन होने वाला है, और अगर नहीं होने वाला है तो आखिर इसको लेकर प्रूफ क्या है। तो इस वीडियो में इन सारी चीजों के बारे में बात होगी, तो चलिए वीडियो करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो भाई एक इमेज जो है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से सर्कुलेट हो रहा, चाहे वो फेसबुक पे हो जाए, ट्विटर पे हो जाए या फिर व्हाट्सएप पे हो जाए, हर जगह एक न्यूज जो है, एक नोटिस जो है वो वायरल हो रहा है बहुत ही तेजी से, जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टाम्प भी लगा हुआ है। और ये जो भी नोटिस है ये कुछ इस तरीके का नोटिस है, जैसा कि नोटिस हमें कोर्ट से जो भी नोटिस निकलता है उस तरीके का नोटिस है, और इसमें दिया हुआ है कि PUBG गेम जो है उसे इंडिया में बैन कर दिया गया है। और इस पर रीजन ये दिया गया है कि बहुत सारे जो भी लॉयर और जो बहुत सारे जो भी क्या बोलते हैं उन्हें मजिस्ट्रेट होते हैं, वो बहुत सारे प्रूफ और इंसिडेंट जो है उसे कोर्ट में सबमिट कराए हैं कि जो भी PUBG है उसे खेलते हुए बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अपने लाइफ को बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल कर रहे हैं, और PUBG को जो है वो इलीगल एक्टिविटीज़ में भी लिप्त पाया गया है। लिप्त बोले तो लिप्त मतलब क्या होता है यार, अच्छा जो भी होता है आप समझ गए ना, काफ़ी है। तो बस यही रीज़न है कि जिसके कारण PUBG को इंडिया में जो है बैन करा गया है। लेकिन ये न्यूज़ जो है ये देखने में तो पूरी तरीके से सही लग रही है कि हाँ सच में ये गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया हुआ है कोई नोटिस है, लेकिन अगर आप नीचे तरफ देखो तो नीचे में जो भी जज है उनका जो भी सिग्नेचर है उसे आप देखो, सिग्नेचर तो समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन उसके नीचे जो नाम दिया गया है और नाम यहाँ पे लिखा हुआ है के श्रीनिवास सुल्लू, के श्रीनिवास उल्लू नहीं यार, के श्रीनिवास सुल्लू। तो जो भी के श्रीनिवास सुल्लू ये इस नाम से कोई भी जज जो है वो फिलहाल बोले तो जो भी महाराष्ट्र का हाई कोर्ट है वहाँ पे इस नाम का कोई भी जज जज है ही नहीं वहाँ। तो आखिरकार ये न्यूज़ उसी बात से पता चल जाता है कि ये न्यूज़ जो है वो पूरी तरीके से फेक है। तो इस न्यूज़ पे बिलीव करना सही नहीं है क्योंकि ये पूरी तरीके से फेक है, इस तरीके का कोई भी न्यूज़ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है कि इंडिया में सच में PUBG को बैन करा गया है। और इस तरीके का कोई भी न्यूज़ आता है तो उसके तरफ उसको लेकर हम PUBG की तरफ से भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, PUBG भी कुछ ना कुछ अपडेट करेगा इसको लेकर, अगर किसी भी तरीके से बैन करा जाता है इंडिया में PUBG को गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो भी PUBG को बैन करने वाली जो भी न्यूज़ है और ये जो भी PDF ये पूरी तरीके से फेक है, इस पर किसी भी तरीके से बिलीव करना सही नहीं है। PUBG अभी भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो बस आप डाउनलोड करो, और अगर आप एडिक्ट हो चुके हो तो मस्त आप PUBG खेलो और विनर विनर चिकन डिनर लेते रहो और मस्त चिकन डिनर करते रहो। PUBG जो है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है अभी फिलहाल। और PUBG के बारे में अगर इंडिया की बात ना करें, पूरे ऑल ओवर कंट्री की बात करें, सारे कंट्री की बात करें, तो PUBG के टोटल जो भी यूज़र पर डे का वो करीब 30 मिलियन के करीब, यानी कि 3 करोड़ से ज़्यादा यूज़र जो है वो डेली विजिट करते हैं, डेली प्ले करते हैं PUBG को, डेली PUBG को डेली खेलते हैं, और करीब 200 मिलियन से ज़्यादा जो है इसके डाउनलोड हो चुके हैं प्ले स्टोर पर, यानी कि करीब 20 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं PUBG के। लेकिन हाँ भाई, बैन होने वाले एक बात सच में बता दूं आपको कि करीब 30,000 से ज्यादा PUBG यूजर को जो है वो PUBG के द्वारा बैन कर दिया गया है। अब बैन करने का रीजन ये है कि बहुत कुछ PUBG को हैक करने की ट्राई कर रहे थे, यानी कि PUBG को हैक करने की ट्राई मतलब कि PUBG जीतने के लिए, यानी कि विनर विनर चिकन डिनर लेने के लिए बहुत कोई PUBG में जो है चीट कोड का यूज कर रहे थे और PUBG को जीतने का कोशिश कर रहे थे। तो उन सारे यूजर को जो है PUBG के द्वारा बैन कर दिया गया है, और वो जो भी यूजर जिन्हें बैन कर दिया गया है वो PUBG को खेल नहीं पाएंगे। तो अगर आप भी PUBG के एडिक्ट हो, PUBG खेलते हो, तो किसी
किसी तरीके का चीट कोड का यूज मत कीजिए, क्योंकि बहुत कोई चीट कोड निकालते हैं जो गूगल में सर्च करके यूट्यूब में सर्च करके, तो भाई किसी भी तरीके का चीट कोड का यूज मत करो अगर आपको पबजी में विनर विनर चिकन डिनर चाहिए तो। वरना अगर आप चीट कोड का यूज करते हो तो क्या पता आपको विनर विनर चिकन डिनर भी रोटी भी नसीब ना हो। तो भाई अगर आपको विनर विनर चिकन डिनर आपको चाहिए पबजी से, तो मस्त एकदम लीगल तरीके से खेलते रहो पबजी और जीतते रहो, विनर विनर चिकन डिनर लेते रहो। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही था, बस आप लोगों को बताना था कि ये जो भी न्यूज वायरल हो रही है पबजी बैन को लेकर, पबजी बैन इंडिया को लेकर, ये पूरी तरीके से फेक है, इस पे किसी भी तरीके की सच्चाई नहीं है। तो बस इस न्यूज को, ये जो भी वीडियो बनाया, इस वीडियो को वायरल कर दो, आग लगा दो इस वीडियो को वायरल करके, कि हर किसी को पता चल सके कि पबजी जो है वो इंडिया में बैन नहीं हुआ है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना अगर आपका किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है तो, और अगर आप पबजी खेलते हो तो भी आप नीचे कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने अब तक कितने बार पबजी का विनर विनर चिकन डिनर लिया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना है, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड मैं बताऊँ आपसे नए वीडियो में, तो थैंक यू, जय पबजी, जय पबजी, जय पबजी।